हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस अजवाइन प्लांट के बारे में। और ये बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसकी कटिंग जो है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से चल जाती है। और ये एक सॉफ्ट और नरम प्लांट होता है फ्रेंड्स। देखिए आप, इसकी पत्तियों में जो है ये इस तरह से पानी स्टोर रहता है। और बहुत ही, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और नरम प्लांट होता है ये। और इसको पानी जो है फ्रेंड्स, बहुत ही कम चाहिए होता है, क्योंकि इसकी स्टेम में और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। तो इसलिए आप इसे पानी जो है कम से कम दें। इसे एक बार पानी देने के बाद दोबारा तभी ही पानी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, तो ही ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और इसके अलावा जो है, आप इसे ज़्यादा गहरे पॉट में ना लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी रूट्स जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो आप इसे शेलो पॉट में ही लगाएं, बहुत ज़्यादा गहरे पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से पॉट में भी लगाएंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। आप देखिए, मैंने इसको कितने छोटे से पॉट में लगा रखा है, फिर भी ये कितना फैल गया। मैंने ये कटिंग से ही लगाया था फ्रेंड्स। इसकी बहुत ही छोटी सी मैं कटिंग लेके आई थी, 2 इंच की इतनी सी, उसमें से ही इतना सारा ये प्लांट तैयार हो गया। और इधर भी मैंने ये कटिंग से ही तैयार करा है। ये एक मैंने हैंगिंग पॉट बनाया है फ्रेंड्स। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसका हैंगिंग पॉट भी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी पत्तियां जो है बहुत ही सुंदर लगती हैं। और आप इसे जो है फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप इसे आधे दिन की धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रहेगी। और सूर्य की सीधी धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का कलर जो है वो ऐसा ग्रीन नहीं रहेगा, एकदम लाइट कलर हो जाएगा, थोड़ा हल्का ग्रीन रहेगा। तो वो आपके ऊपर है, आपको इसको ज़्यादा ग्रीन पत्तियाँ पसंद हो तो आधे दिन के धूप में इसको रखें। और मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को लगाने के लिए आप एकदम सॉफ्ट और नरम पोरस मिट्टी बनाएं, ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी देने पर पानी रुके नहीं, बॉटम से पानी निकल जाए। तो इस तरह की मिट्टी तैयार करने के लिए आप इसमें 30% सोइल लें और उसमें 60% रिवर्स सेंट मिलाएं और 10% आप खाद मिलाकर इस प्लांट को लगाएं। एक बार खाद देने के बाद फ्रेंड्स, आप दोबारा इसको बोलिए एक साल में भी खाद देंगे तब भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इस प्लांट को जो है ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने भी इसकी कटिंग लगाई तब से फ्रेंड्स, अभी तक इसको एक भी बार मैंने खाद नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं कितना ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। पानी का इसका विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट्स जो है वो गल जाएगी और सड़ जाएगी और ये प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। और ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स। इसकी पत्तियों का यूज बहुत बीमारियों में किया जाता है, मस्तिष्क में सूजन को ठीक करने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी, और हाई बीपी में। इसके अलावा यूरिन, आर्थराइटिस, शरीर की कमजोरी, हड्डियों की सूजन, सर्दी खांसी में भी इसकी पत्तियों की बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और इसकी 2 इंच की भी आप इतनी सी कटिंग ले आएंगे तो वो आसानी से चल जाएगी और आपके यहाँ ढेर सारे, बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैं आपको फ्रेंड्स लगा के बता देती हूँ। ये जो कटिंग है फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी और इसमें रूट जो है ये आ गई है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इतनी जल्दी इसकी रूट्स आ जाती है, ये देखिए रूट्स आ गई है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप कहीं से भी फ्रेंड्स एक छोटी सी कटिंग, ये 2 इंच की भी, इतनी सी भी आप ले आइए और बस इसकी इस तरह से नीचे की पत्तियां हटा दे और इसको मिट्टी में आप लगा दे इस तरह से, तो कुछ ही दिन में इसमें रूट्स आ जाएगी। और एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसकी पत्तियों को फेंके नहीं फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही चबा के खा ले, बहुत ही फायदेमंद है ये। आप 2-3 पत्तियां रोज़ चबा के खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं हमारे लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।